खबरों की नई पहचान। आजादी के 75वें वर्षगांठ के मौके पर पूरे देश में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस अवसर पर झरिया में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। झरिया पूर्व विधायक संजीव सिंह की पत्नी भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य रागनी सिंह ने भव्य तिरंगा यात्रा निकाला, जिसमें हजारों मोटरसाइकिल कार से महिला पुरुष हाथ में तिरंगा झंडा लेकर भारत माता की जय के नारों के साथ कोरियांचल गूंज उठा। रागनी सिंह जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा आज़ादी के 75वें वर्षगांठ अमृत महोत्सव के तहत समय निकाला गया है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया था कि सब जगह तिरंगा यात्रा निकले, घर घर पर तिरंगा फहरे, और मोदी जी की बातों पर आज सारे देश के लोग बड़ी उत्साह के साथ तिरंगा यात्रा और अपने घर पर तिरंगा झंडा फहराने का काम कर रहे हैं। तिरंगा हमारे आन बान शान का प्रतीक है और इसको हम लोगों ने संकल्प लिया है कि दुनिया के सर्वोच्च स्थान पर इसको फहराने का काम करेंगे। तमाम कोलांचल वासी को शुभकामना देती हूँ, साथ में इस कार्यक्रम को सफल बनाने में यहाँ के हजारों की संख्या को सभी को ढेर सारा बधाई और शुभकामना देती हूँ। साथ में आप सभी मीडियाकर्म को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देती हूँ। और मैं ये अमृत महोत्सव के रूप में भारतीय जनता पार्टी मना रही है हर घर तिरंगा, और इसमें हम लोग हर घर में हम लोग आग्रह भी कर रहे हैं कि हर एक व्यक्ति अपने घरों एक तिरंगा लगाकर अपने आन मान शान तिरंगा को रखे। और मैं सभी से यही अपील करती हूँ, जय हिंद जय भारत। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारे जितने पूर्वजगण अपने खून की होली से स्वतंत्रता को प्राप्त किए थे, वही खून आज पूरे हिंदुस्तान में उद्वेलित हो रहा है और उस खून के शहादत को का जश्न मना रहा है। इस 75वीं आज़ादी के अवसर पे आप सब के माध्यम से पूरे देशवासियों को शुभकामना, धनबाद वासियों को शुभकामना, झारखंड वासियों को शुभकामना। विधानसभा का है जो रागनी भाभी के नेतृत्व में निकला है और इतना विशाल तिरंगा यात्रा धनबाद जिला में पहली बार निकाला गया है, जो बहुत 75वां साल जो हम लोग मना रहे हैं उसको यादगार, और जो उमंग है लोगों में तिरंगा को लेकर वो देखने लायक है और काफ़ी विशाल और उमंग से लोगों ने निकाला है। और पूरा झरिया विधानसभा जो है वो पूरा तिरंगामय हो चुका है और सबको आज़ादी की 75वें साल की खुशी को मनाने के लिए अपने घर से लोगों रोड पे निकले हैं और इस यात्रा को सफल बनाने के लिए हम लोग यहाँ भी आए हैं और उम्मीद करते हैं कि ये यात्रा जो है ये सफल हो और सबके उमंग में ये 75वां साल हमेशा बसे रहे, कि हम लोग इसी उमंग से आगे भी अपना कार्यक्रम करते रहें।